हाँ मैं मंदिर गई थी ना, खाओगे? मिनिस्टर की दी हुई गाड़ी में बहुत घूमता है ना। तुम दस्तखत करना, मैं अंगूठा लगाऊंगा। हो गई शादी? हमारे धंधे में ऐसा बोलना बुजदिली है। जब तक आप पैसों का इंतजाम नहीं करते, हॉस्पिटल उन्हें डिस्चार्ज भी तो नहीं कर सकती। वो लड़की दयानंद की बेटी है ना। लक्ष्मी 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 तुम ठीक तो हो? हा? मैं अभी डॉक्टर को फोन करके बुला लेता हूँ। लक्ष्मी देखिए, पेशेंट बहुत सीरियस है। दवाइयाँ और यहाँ का चार्ज मिलाकर 50,000 तक खर्चा आएगा। आप फौरन ये पैसे कैश काउंटर पर जमा करें। 50,000? जी हाँ 50,000। अगर पैसे नहीं जमा किए तो हो सकता है हमें ट्रीटमेंट रोक देना पड़े, और फिर मत कहना हमारी वजह से पेशेंट मर गई। अब आप जा सकते हैं। चलो बेटे। वैसे झाड़ पे पैसे लटकते नहीं, तुम्हारा नसीब अच्छा है। बार बार आने को मुझे फुर्सत नहीं, जब जी चाहे उतार लेना। अगर पैसे नहीं जमा किए तो हो सकता है हमें ट्रीटमेंट रोक देना पड़े, और फिर मत कहना हमारी वजह से पेशेंट मर गई। देखो ये इतने पैसे हैं कि इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो सकती है। इन पैसों से इलाज करवाने से तो मर जाना अच्छा है। नहीं, इस पैसे को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। कहिए। अब्बा की बात सर आंखों पर। बात नहीं लफ्ज, अब्बा का हर लफ्ज सर आंखों पर। पर आप कौन? ओ जी मैं मुरुड जजीरा से आया हूँ, वो ग्रेनेड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ गल करनी है जी। गुड मॉर्निंग सर, लो साहब आ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते साहब। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी शुक्रिया। ओ जनाब। हाँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। जी शुक्रिया। जी मैं वो ऑपरेशन ग्रेनाइट कॉन्ट्रैक्ट फाइल के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। ऑपरेशन? अस्थमा में ऑपरेशन कहाँ होता है? अस्थमा में ऑपरेशन नहीं होता। मेरी बीवी को अस्थमा है। क्या मैं बैठ सकता हूँ? सीधी साधी औरत बेचारी, अच्छी खासी तंदुरुस्त, अपने पैरों पर खड़ी थी, कल न जाने क्यों अचानक बीमार हो गई, बिस्तर पर पड़ी है। अब बैठे रहो खड़े रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पांडो। ओ जी शुक्रिया। जनाब मैं मुरुड जंजीरा से आया हूँ, मेरा एक छोटा सा काम है, अगर आप उसे पास कर दें तो मैं आपकी जो भी जरूरत है पूरी कर दूंगा। जरूरत? जरूरत तो मेरी इतनी है इतनी। साहब आपने मुझे बुलाया? मैंने अभी अभी तो बुलाया। ओ, पानी लेके आओ। जाओ पानी। हाँ पानी तो इधर है। हाँ? अच्छा ठीक है जाओ जाओ कुछ। अच्छा सर। ओ जी आप मुझे अपनी जरूरत बिना झिझक बताइए। क्या कर सकते हैं आप? कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता कोई। 10,000 से काम हो जाएगा? 10,000 से कुछ नहीं होता मेरा, मेरी तो
50,000 की जरूरत है, 50,000। वो तो ठीक है, ठीक है, हम आपको क्या करूं 50,000 दे देते। ओ जी रख लीजिए, रख लीजिए। लेकिन मिस्टर दीक्षित, आई एम विजिलेंस ऑफिसर विपिन वर्मा। रिश्वत लेने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। गिरफ्तार क्यों? लो सिर पकड़ो मत, खाओ खाओ। अरे उसे डांटो मत, प्यार से खिलाओ ना। नहीं सिर पकड़ लेता है, खाता नहीं, अभी खा रहा है। ये लो। क्या है? प्रसाद। प्रसाद? हाँ मैं मंदिर गई थी ना, खाओगे? हाँ क्यों नहीं। मुझे लगा कि शायद तुम। क्या? कुछ नहीं। डांट ड्रिंक कर रहे हैं आप लोग, कुछ सोचिए डांट, कुछ करिए वरना होटल बंद करने की नौबत आ गई है। अरे सोच लिया भतीजे, सोच लिया। जब तक कविता हमारे साथ थी हमारा होटल नंबर वन था, मुस्तफा ने कविता को सहारा दिया और हमारा होटल बर्बाद हो गया। कविता के सहारे को मिटा दो। यस दैट्स अ पॉइंट डैड। कोई मास्टर प्लान बनाओ, और भी बहुत सारे हिसाब चुकाने हमें उससे। कविता का सहारा है मुस्तफा और मुस्तफा की ताकत है अब्बा। अब्बा को खत्म करो तो मुस्तफा टूट जाएगा, फिर उसे आसानी से मार सकते हैं। आजकल ये अब्बा मिनिस्टर की दी हुई गाड़ी में बहुत घूमता है ना। अरे गाड़ी रोक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है मुस्तफा? कुछ नहीं, गाड़ी जरा खराब है। जीती रहो, वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरी बच्ची को क्या अपनी तरह लोहे का समझा है जो धक्का लगवा रहे हो? मैंने कहा नहीं, वो खुद ब खुद। जा बेटे गाड़ी ले जा मेरी। नहीं अब्बा ठीक है, हम चले जाएंगे। मुस्तफा अब्बा का हर लफ्ज़ सराख ऊपर अब्बा। जा बेटे जा। और सुन इसकी नजर उतार लेना, इसको किसी की नजर ना लगे। जा जा। अब्बा ठीक कह रहे थे, तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? एक मिनट। ये हार किस लिए है? शादी करनी है आज अभी। शादी आज? पर कैसे? क्यों, कोर्ट में जाएंगे, तुम दस्तखत करना, मैं अंगूठा लगाऊंगा, हो गई शादी। चलो कुछ गहने खरीदते हैं। मुझे गहने वहने नहीं चाहिए, मुझे बस सिर्फ एक मंगलसूत्र चाहिए। वो हम लोगों में नहीं पहनते। मैं कुछ नहीं जानती,
मुझे मंगलसूत्र चाहिए बस। नहीं पहनते कहना बस। चलोगी? आखिरी बार पूछ रहा हूं, चलोगी? मर। सलाम। सलाम मुस्तफा भाई, आपके ऑर्डर के सारे गहने तैयार हैं। शुक्रिया। मुझे वो ये चाहिए, मंगल सूत्र। मंगल सूत्र? हाँ। ये देखिए। शुक्रिया। मंगलसूत्र नहीं दिला सकते। ऐ कविता, मुझे गहने वहने नहीं चाहिए, मुझे बस सिर्फ एक मंगलसूत्र चाहिए। शादी आज? पर कैसे? पर कैसे? क्यों, कोर्ट में जाएंगे, तुम दस्तखत करना, मैं अंगूठा लगा दूंगा, बस हो गई शादी। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दिल जानी। ए, अपना चेहरा मुझसे मत छुपाना, जिंदगी पहली बार इतनी खूबसूरत बनकर मेरे सामने आई, खुदा के लिए अपना चेहरा मुझसे मत छुपाना। एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जगले दिल जानी। कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। गोली भी चल सकती है, कई मेरे हिस्से की मौत तुम्हें न मिल जाए। आओ इधर। मुस्तफा भाई, बम लगाने वाला का पता चल गया है, महेश का बेटा आनंद था, मैं उसे गोली सुना दूंगा। मुस्तफा भाई, कोई गोली से नहीं मरेगा, सभी वैसे ही मरेंगे जैसे कविता मरी थी।
पिजाट। साला अभी बताता हूँ। जानता नहीं कौन हूं मैं? चलाट पिजाट, वरना दांत तोड़ दूंगा। चल। मेरी तरह लगता है, आए ना? आगे बढ़ाना है तो बोल, बहुत कुछ गवाना पड़ेगा। बेहतर यही है कि सब कुछ भूल जाते हैं। आओ, लोहे का जिगर रखते हो मुस्तफा। कविता की मौत को सहन कर लेना मेरे लिए तो मुश्किल था, लेकिन ये घाव तुमने बड़ी हिम्मत से सहन कर लिया है। आओ। मुस्तफा। मुस्तफा,
ए मुस्तफा, नहीं अब्बा, पहली बार मैं सह नहीं पाया। कविता के साथ मेरा ऐसा रिश्ता था जो सिर्फ मेरा अपना था। मुस्तफा, अब कोई नहीं है मेरा। यतीम था, यतीम रहूंगा, यतीम मरूंगा। क्यों ऐसे बोल रहा है? मैं कोई नहीं हूं तेरा, हाँ? कोई नहीं हूं मैं तेरा, हाँ? मैं कोई नहीं हूं क्या? मैं हूं ना मुस्तफा भाई, सगा नहीं तो क्या हुआ? सगे भाई के जैसा हूं। अरे तू तो मेरा बेटा है, मेरे मरने के बाद मेरा कर्म कांड तो तू ही करेगा, हाँ? ए मुस्तफा, मुस्तफा, चल चल उठ, काम की बात करते हैं। आजा, आजा। देख, मैंने सुना है कि राजा बाबू चौधरी की पार्टी आम सभा की तैयारी कर रही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि वो आम सभा शोक सभा में बदल जाए? यही चाहता हूँ। ये नहीं होगा अब, मुझे माफ कीजिए। आज तक मैंने आपके लिए बहुत खून बहा, मेरी वजह से कई औरतें बेवा हो गई, कई बच्चों के सर से अपने बाप का साया उठ गया। अब ये सारा मुझसे नहीं होगा अब। मुस्तफा, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने दूसरों के घर उजाड़े ना, इसलिए अल्लाह ने मुझे बेघर कर दिया। बसते बसते मेरा घर उजड़ गया, कविता चली गई, मैं अकेला हो गया। मुस्तफा, हमारे धंधे में ऐसा बोलना बुजदिली है, यहाँ जज्बातों की कोई कीमत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, मुझे माफ दो। मुस्तफा, अब क्या करेगा तू? उसने रुलाया है वही हंसाएगा, अल्लाह बड़ा बादशाह है। मुस्तफा भाई, अब्बा का कोई पैगाम लाया तो वापस चला जा। क्यों मुस्तफा भाई, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? चल बैठ। कैसा चल रहा है मुस्तफा भाई? चल रहा है, अल्लाह कोई काम नहीं दे रहा है, बेकार बैठा हूं, बच्चों के साथ दिल बहला रहा हूं। मुस्तफा भाई, वो दयानंद दीक्षित याद है? जिसके घर के बाहर पैसे लटका कर आए थे, वो अब भी वहीं लटक रहे हैं। वाकई ईमानदार आदमी है, ये दुनिया उसे जीने नहीं देगी। वही तो हुआ है उसके साथ, रिश्वत के इल्जाम में अंदर किया है उसको। बीवी बेचारी अस्पताल में है, बच्चों की हालत यतीमों से भी बदतर है। जिंदगी में किसी दूसरे के लिए एक भी अच्छा काम करोगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। शुक्र है तेरा माबूद। जब तक आप पैसों का इंतजाम नहीं करते, हॉस्पिटल उन्हें डिस्चार्ज भी तो नहीं कर सकती। अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अजीब तमाशा है, ये हॉस्पिटल है, कोई मुसाफिर खाना तो नहीं। आप कहीं से भी पैसों का इंतजाम कीजिए, समझे? लेकिन हम इतने सारे पैसे कहां से लाएंगे? That's your problem. मैं दूंगा। कितने पैसे? 55,000। माँ को संभाल कर ले जाना, डरना नहीं, दीक्षित की जमानत हो जाएगी, वो भी जल्दी लौट आएंगे। लेकिन हम ये पैसे, इसके बदले में तुम्हें कोई गलत काम करना नहीं होगा, इस बात का घर में पता न चले तो अच्छा होगा। यहाँ साइन कीजिए। मुझे तो लग रहा था कि मैं इस घर की चौखट दोबारा देख ही नहीं पाऊंगी। जेल जाने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरा घर बिखर गया, पर ईश्वर महान है, उसने हमारे सारे संकट हर लिए। तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई, मेरी भी जमानत हो गई। पर आपकी जमानत किसने दी? मेरे अस्पताल का पैसा किसने दिया? ये जानने की मैंने बहुत कोशिश की, पर पता नहीं चला कौन है वो फरिश्ता। अब आपकी नौकरी का क्या होगा? मामा, मैंने सुना है कि
जिस ऑफिसर ने डैडी को अरेस्ट किया था वो बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ बेटा, लक्ष्मी मेरे केस के बारे में इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया है, देखते हैं क्या होता है। अब तो सिर्फ उसी का सहारा है। ए, ये क्या है? कौन हो तुम? गुलाम मुस्तफा। ओ, वही मुस्तफा जिसने दीक्षित की जमानत करवाई थी। तो यहाँ क्या करने आओ? गुंडा कर दी? जबान, जबान। ये क्या है? जरूरत पड़े और मांग लेना, शर्माना नहीं। दीक्षित की नौकरी उसे वापस कर दो। मेरे साथ सौदा करने आयो? निकल जाओ यहाँ से। बेहतर है तू अपना इरादा बदल दे, नहीं तो मैं तेरा नक्शा बदल दूंगा। देखो, रिश्वत देने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। तेरे जैसे गुंडे से मैं डरता नहीं हूँ। मेरी ईमानदारी बिकाऊ नहीं है। गलती हो गई यार, गलती हो गई। गवर्नमेंट के आदमी हो ना, समझा पैसे से गलती हो गई। चलो मैं अपना इरादा बदल देता हूँ। तुम खुद ईमानदार हो, एक ईमानदार की हालत तुम ही समझ सकते हो। चलो मेरे साथ। कहाँ? दीक्षित के घर। फिर उसके ये देखो, दीक्षित का किराए का घर, ये उनका बच्चा विक्रम, इधर आ। 98% नंबर लाया है इम्तिहान में, फिर भी इंजीनियरिंग को एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि डोनेशन नहीं दे सकता। डोनेशन का एक रिश्वत नहीं दे सकता, इसलिए घर में बैठा है। इधर आ, ये बच्ची देखो। दहेज देने की हैसियत नहीं, झूले पे झूल रही है कुमारी। इधर आ, ये दीक्षित। नौकरी के सिवा इसके पास कुछ नहीं है। ये उसकी बीवी बहुत बीमार थी उस वक्त, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, होश खो बैठा था। उसी वक्त तुमने इसे हथकड़ी लगाई। ये 6 लाख रुपए मैं छोड़कर गया था यहां, ग्रेनाइट कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की रिश्वत। पिछले कई महीनों से लटक रहे थे यहां, ये आदमी छुआ तक नहीं। इसकी ईमानदारी पर शक मत करना। मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, जिंदगी में पहली बार हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूं, इस आदमी की नौकरी से वापस कर दो। मैं अकेले में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। तुम लोग जरा अंदर जाओ। वो लड़की दयानंद की बेटी है ना? हाँ। क्या है कि मेरे मन को भा गई, मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा है। हाँ। अच्छा इंसान हो तुम। अगर उसकी शादी तुम्हारे साथ हो जाए तो नहीं, उसका नसीब खुल जाएगा। शादी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर बस यूं ही एक आध रात गुजारने की सोच रहा हूं। क्या है कि मेरी टेस्ट कुछ अलग है। हजारों लड़कियां देखूं तो किसी एक में मुझे जायका नजर आता है। ये लड़की जायकेदार है, बस गिव एंड टेक। तो मुझे लड़की पहुंचा दो, मैं दयानंद की नौकरी वापस दिलवा देता हूं। सिंपल। मैंने तेरे बारे में काफी पूछताछ की, लेकिन तेरे बाप के बारे में कुछ पता नहीं चला। अब ऐसा लगता है तेरे बाप की मौत के कई साल बाद तेरी मां ने तुझे जन्म दिया होगा। मुस्तफा, तू मुझे खरीदने आया था ना? अरे तेरे जैसे गुंडे खरीदे जा सके, और तूने मुझे हरामी कहा। अब तू मेरा हरामी पर देख। उस लड़की को मैं उठवा के ले जाऊंगा। तू उसके घर में रहकर उसकी रखवाली थोड़ी कर सकता है। कमीना निकला साला, गलती तो अपनी ही है। गलत आदमी को खाने की दावत दी, इसको पहचानने में मुझसे गलती कैसे हो गई?
लगता है इसके आगे अपना दाना पानी इस घर में लिखा है। जाओ पैसे उठा लो। विक्रम, आप घर में कोई नहीं? हाँ है ना, मामा डैडी। क्या है क्या? तुम कहीं जा रहे हो क्या? नहीं आ रहा हूं। विक्रम जरा खोली किधर है? जी उधर। ऐसे हमारी दोनों की होगी, रखो। और तो तू तुम यहां लड़कोगे। ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? अरे हाँ तो तू, ये अम्मा है इस घर की मालकिन, बाजू में खड़े हैं वो मालिक, ये उनका लड़का, वो लड़की, और ये तो तू। बड़ा होशियार है, मालिक का वफादार है। चलो अब मैं यही रहूंगा। हाँ, ये यही रहेंगे ये जी? ये हाँ, और खाएगा भी यही। थोड़ा तीखा बनाओ कुछ दिनों के लिए। भाग्यलक्ष्मी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बैठो बैठो जी। तबीयत कैसे ठीक होगी? वो यहाँ पे क्यों आया? अरे क्यों क्यों आया? हाँ, ये तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन उसने मुझे पूछने का मौका ही नहीं दिया। मिस्टर दीक्षित, हाँ? आप उसको बोलिए कि चला जाए यहाँ से, जाने को बोलो उसको। अरे बाबा आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगा। अच्छी सुन लेगा तो क्या, मेरा घर है। अरे मैं क्यों चुप रहूं? मैं लक्ष्मी, वो कौन हम कौन? मेरा पूजा पाठ वाला पवित्र घर है, और वो अभी अभी जाने को कहिए उसे। अभी बोलिए उसको। हाँ मैं कहता हूँ उसे घर से बाहर जाने के लिए, लेकिन तुम चुप हो जाओ। अभी शांत हो जाइए, चुप हो जाओ। मुस्तफा बोलो, क्या सचमुच तुम यहाँ रहने वाले हो? हाँ। मुझे लगता है ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रहने का तरीका अलग है और हमारा। हाँ समझ गया, मतलब आप पूजा पाठ करने वाले और मैं नमाज पढ़ने वाला। फिर भी मैं यही रहूंगा। ये मत पूछिए क्यों भाग्यलक्ष्मी जी, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई सवाल करता है जवाब देने की। सुनो कहाँ जा रही हो? टाइपिंग इंस्टीट्यूट। इधर ऐसे टाइपिंग वाइपिंग बंद, चलो अंदर जाओ। मगर अगले महीने मेरा एग्जाम है। पास हो गई समझो, बगैर इम्तिहान के मैं पास करा दूंगा। मेरी मर्जी के बगैर तुम बाहर नहीं जाओगी। गणपति गजानन देव की जय, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्विताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते वक्रतुंड महाकाय प्रभु गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। बोलो मालिक। भवम भवामी करिषम नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़। ये क्या हो रहा है मिस्टर दीक्षित? क्या हुआ? ये घर है या चिड़ियाघर? अरे घर में शुक्मनी आए हैं, बोलता पंछी है, बोलेगा ही। ये मालिक के सिवा और कुछ नहीं बोलता क्या? अच्छा तो मैं तुम्हारा दुख समझ गया, मालकिन मालकिन बोलता नहीं है इसलिए ना। ठीक है सिखा दूंगा। बस बस रक्ष रक्ष परमेश्वर। ये कॉफी तू इनके लिए लाई थी ना? हाँ। ए सुनो,
इस तरह तुम्हारा एक कॉफी छीनना मुझे अच्छा नहीं लगा। बहुत अच्छी है विद्या। इस बर्तन को साबुन से अच्छी तरह से धोके अलग रख देना। अच्छा मम्मा। क्या बात है? राशन का सामान लाया हूं साहब। राशन का सामान? किसने ऑर्डर किया था? ओ साहब जी, इतनी दया मत दिखाओ मुस्तफा, इसे वापस भेज दो। वापस ले जाओ। ठहरो, अनाज है, घर की चौखट तक पहुंच गया है, इसे वापस भेजना अशुभ होगा। सेठ जी से कहना कि शाम तक पैसे भिजवा दूंगी। जी। विक्रम, विद्या। जी मामा। विक्रम ये सामान अंदर रखवा दे, तेरी चूड़ी दे, देना। इसे गिरवी रख के बनिए के पैसे चुका देना। खामखा मैंने इनके खुददारी को ठेस पहुंचाई, या खुदा मुझे माफ कर दे। मेरी कुर्सी पे बैठने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हें? मुस्तफा भाई उड़ा दो। अब ये कुर्सी तुम्हारी नहीं रही, पढ़ो। क्या ये? पढ़ो। क्या है ये? पढ़ो। श्री बिपिन वर्मा, आपका तबादला हो गया। फोन उठा। हेलो, मैं मिनिस्टर इम्तियाज हुसैन बोल रहा हूं। जी सर। विपिन वर्मा तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है, तुम फॉरन हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करो। यस सर। एक मंदिर का दिया भी तेरे को तवायफ के कोठे की लाल बत्ती लगता है। तेरे जहन में खोट है इसलिए यह ट्रांसफर हुआ। अगर पुराना मुस्तफा होता तो यहां से नहीं दुनिया से ट्रांसफर कर देता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए।